What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover Family. तो देखिए नया वीक है, नए जोश के साथ में स्टार्ट करते हैं और नए वीक को जितने जोश के साथ में आप लोग स्टार्ट करें उतना ही ज्यादा कम है, क्योंकि आप लोग जितना जोश रखेंगे लास्ट तक आते आते वो ठंडा पड़ेगा। इसलिए डेली मॉर्निंग में फिर से अपने जोश को आप लोगों को उसी तरीके से फुल एनर्जेटिक वे में लेकर आना है। तो यही होता है देखिए तरीका, शरीर बिल्कुल ऐसे है कि डेली आप लोगों को समझाना पड़ेगा कि हाँ मुझे ये काम करना है, वरना आप लोगों का जोश ठंडा होता चला जाएगा। बिल्कुल ऐसे से खाना खाने के लिए आप जैसे भूख लगती है तो आप लोग खाना खाना पड़ता है, बिल्कुल ऐसे डेली आप लोगों को जोश की भी जरूरत पड़ती है। तो अच्छे से जोश रखिए, अच्छे से एंजॉय कीजिए और पूरे वीक को शानदार तरीके से अपने अच्छे से आप लोग काम करिए। तो यहां पर है 29 जुलाई, देखते हैं क्या क्या आज हम लोग को डिस्कस करना है। किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वन डे टाइप के एग्जाम की, जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप, बेस्ट आप लोगों के लिए वीडियो है। करंट अफेयर, स्टैटिक और ओल्ड यूपीएससी क्वेश्चन, ये हर लेवल का आप लोगों का एग्जाम क्लियर करा देगी अगर इस लेवल पर आकर आप लोग अपनी प्रिपरेशन करेंगे। तो पहले स्टार्टिंग में हम लोग यहां पर देखेंगे छोटा सा क्विज, उसके बाद में डिटेल में क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। तो पहले आप लोगों के लिए यहां पर एक वार्म अप क्विज जो कि आप लोगों की आंखें खुलेगा। तो आइए यहां पर क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है यहां पर रेलवे मिनिस्टर जो कि पीयूष गोयल जी हैं, इनके द्वारा रिसेंटली अभी यहां पर एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था, इसका नाम आप लोगों को बताना है। एक तरीका इंस्ट्रूमेंट टाइप में आप लोग बोल सकते हैं, जो कि यहां पर इन्फॉर्म करेगा लोगों को कि रेलवे के अंदर कहां कहां पर क्या क्या प्रोग्रेस चल रही है, यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं जनता को पता रहेगा कि कहां कहां पर रेलवे के अंदर क्या काम चल रहा है, ये आप लोग बोल सकते हैं। फोर्थ ग्लोबल डिजिटल हेल्थ पार्टनरशिप समिट, ये रिसेंटली अभी किस कंट्री के द्वारा ऑर्गेनाइज कराई गई यहां पर हेल्थ एंड द वेलबींग फॉर देयर सिटीजन। नेक्स्ट बात की जा रही है 9000 करोड़ यहां पर वर्ल्ड लॉन्गेस्ट एलपीजी पाइपलाइन जो कि 2757 किलोमीटर कांदला गुजरात से लेकर कौन से राज्य तक पहुंचाई गई, यह आप को बताना है। कुंभ मेले को रिसेंटली अभी इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज ह्यूमैनिटी साइट में डाला गया है, यूनेस्को की ये साइट होती है, आप लोगों को ये बताना है किस ईयर में यहां पर इसको ये टैग दिया गया है। इंटेंजिबल का मतलब होता है जो कभी भी जो छह ना हो, खराब ना हो, बर्बाद ना हो। लोहा होता है, जंग लग जाता है, बर्बाद हो जाता है, पर लेकिन मेला है, आज हमें मेले में कल आप होंगे, परसों कोई और होगा, तो इसी तरीके से मेला रहेगा पर वहीं पर, ठीक है। तो एक तरीके से कल्चर हो गई है, ओके, तो इंटेंजिबल इसको बोल देंगे आप लोग। नेक्स्ट यहां पर बात की जा रही है, यूनियन कैबिनेट अप्रूव करता है यहां पर एमओयू किसके साथ में, इंडिया और कौन सी कंट्री के साथ में, जो कि सिस्टमेटिकली वर्क करने वाले हैं ट्रेडिशनल मेडिसिन, और हमारी कंट्री में जैसे होम्योपैथी यूज की जा रही है, फिर हमारी ट्रेडिशनल जैसे आयुर्वेदा, तो उसमें एक दूसरे के साथ मिलकर काम करेंगे। तो कौन सी कंट्री है ये सेकंड, ये आप लोगों को बताना है। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा रिसेंटली अभी यहां पर हमारे किसी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर की एक स्टैचू अनवील की गई, उनकी लाइफ साइज स्टैचू थी, यानी कि जितना उनकी हाइट थी उसी की टाइप की स्टैचू, ये सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में अनवील की गई, ये कौन से प्राइम मिनिस्टर थे हमारी कंट्री के। नेक्स्ट बात की जा रही है नामथप्पा नेशनल पार्क, काफी इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा गया है, ये ईस्टर्न हिमालयन रीजन में आप लोगों को देखने को मिलता है, तो कौन से राज्य में है ये आप लोगों को बताना है। एक छोटा सा हिंट है आप लोगों के लिए, यहां पर नॉर्थ ईस्ट के किसी राज्य में है, तो अब आप लोग खुद बता सकते हैं कौन से राज्य में है। नेक्स्ट बात की जा रही है यहां पर यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बारे में, जिसको आप लोग यूएई बोलते हैं, इसमें इंटरफेथ एलियंस यहां पर अलायंस फोरम ये यहां पर अभी देखने को मिली, तो यहां पर नेशन की कैपिटल कहां पर ये देखने को मिली ये आप लोगों को बताना है। इंटरफेथ का मतलब होता है कई सारे रिलीजन के लोग इकट्ठा कराए गए, ये बिल्कुल ऐसे जैसे अकबर के द्वारा लोगों को इकट्ठा कराया जाता ना था ना, कि डिस्कस करने के लिए अकबर अपना एक दीन इलाही करके नया रिलीजन स्टार्ट करने वाले थे, कि हां एक ऐसा रिलीजन बनाया जाए जो कि इंसानियत के ऊपर फोकस करे, इंसानों के ऊपर नहीं। तो एक ऐसी ही यहां पर एक बात आप लोग देखते हैं कि हर एक रिलीजन में जो जो अच्छी बातें हैं उनके ऊपर डिस्कशन यहां पर बेसिकली देखने को मिला, तो ये यूएई में देखने को मिली, ठीक है। तो ये है आप लोगों के सामने टोटल 8 क्वेश्चन, अभी आप लोगों को आंसर बताऊंगा, मैच कर अपने स्कोर नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और देखिए वीक के स्टार्टिंग से आप लोग अच्छे से अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट कर चलेंगे तो जिसके भी आप लोगों के जब टेस्ट होता है उसमें क्वेश्चन उसमें ज्यादा अच्छे आप लोगों के मार्क्स नहीं आते हैं, तो इसका रीजन ये भी है कि आप लोग अच्छे से पूरा वीक नहीं बिताते हैं और सोचते हैं फिर एंड में आप लोगों के अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो पूरे वीक को अच्छे से एंजॉय कीजिए, तभी आप लोगों के मार्क्स अच्छे आएंगे जो वीकेंड में आप लोगों का टेस्ट होता है। तो सबसे पहले बात की जा रही है यहां पर इसका नाम है दृष्टि डैशबोर्ड। तो दृष्टि डैशबोर्ड के नाम से यहां पर स्टार्ट किया गया है, जिसमें यहां पर जो भी रेलवे के अंदर प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन रहेगी। इंडिया में अभी रिसेंटली फोर्थ ग्लोबल डिजिटल हेल्थ समिट पार्टनरशिप समिट देखने को मिली, जो कि सिटीजन के हेल्थ और वेलबींग के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट यहां पर यह है लाइन जो कि लॉन्गेस्ट एलपीजी जो यहां पर यह पाइपलाइन है 2757 किलोमीटर की कांदला गुजरात से लेकर गोरखपुर उत्तर प्रदेश तक यहां पर बिछाई जा रही है। 9000 करोड़ रुपए यहां पर खर्च किए जाएंगे। कुंभ के मेले को 2017 में यहां पर इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज साइट में डाला गया यूनेस्को की, इंपॉर्टेंट है याद रखना। नेक्स्ट यहां पर इंडिया और ब्राजील मिलकर काम कर रहे हैं मेडिसिन होम्योपैथी या फिर ट्रेडिशनल मेडिसिन के ऊपर। वाजपेयी जी की जो स्टेच्यू थी वो अनवील की गई अभी हमारी कंट्री के प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट में। नेक्स्ट यहां पर नामथप्पा नेशनल पार्क ये अरुणाचल प्रदेश में आप लोगों को देखने को मिलता है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स अबू धाबी है इसकी कैपिटल। यहां पर इंटरफेथ ये अलायंस फोरम आप लोगों को देखने को मिला। तो कुछ बातें जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं। आइए अब डिस्कशन स्टार्ट करते हैं डिटेल में।
पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, बात करें यहां पर ऑपरेशन, यहां पर यह है कारगिल के बारे में। कारगिल ऑपरेशन को यहां पर एक नाम से पुकारा गया, उसका नाम आप लोगों को बताना है। ऑपरेशन आर्टिक फॉक्स, ऑपरेशन विजय, ऑपरेशन ब्लू स्टार, ऑपरेशन विक्ट्री, तो कौन से नाम से पुकारा गया, ए बी सी या फिर डी, तो यहां पर ये आप लोगों को बताना है। और रिसेंटली अभी इसका सेलिब्रेशन भी देखने को मिला, तो जो आंसर है सही यहां पर ये इसका क्या, बी ऑपरेशन विजय के नाम से इसे पुकारा गया। 26 जुलाई को हमारी कंट्री में 1999 में यहां पर जो पाकिस्तान से रिलेटेड जो घुसपैठिए हमारी कंट्री की साइड में यहां पर आ गए थे, तो कारगिल वाले रीजन में यहां पर इनको मारकर भगाया गया। हमारी कंट्री में कई सारी ऐसी की लोकेशन थी जो उनके द्वारा यहां पर एक तरीके से अपने अंडर में लेने की कोशिश की गई, तो उनको वापस भगाया गया मार के यहां से। तो यहां पर उसी की उपलक्ष्य में यहां पर जो ऑपरेशन चलाया गया उसको ऑपरेशन विजय का नाम दिया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है जिसके बारे में आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। तो काफी ऊंचाई पर है, लगभग 32,000 फीट की ऊंचाई पर यहां पर काफी ऊंचा बैटल फील्ड भी इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये बातें याद रखिएगा, आगे बढ़ते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा क्योंकि यहां पर जो बात की जा रही है ये स्टेटमेंट आप लोगों से पूछा गया, बोला गया नॉट करेक्ट। मैंने आप लोगों को पहले बताया था अगर कोई भी क्वेश्चन हुआ करे पहले ये देख लिया कीजिए कि करेक्ट पूछा जा रहा है या फिर इनकरेक्ट पूछा जा रहा है। तो ये आप लोगों के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यहां पर सबसे पहले जो क्वेश्चन यहां पर बोला जा रहा है, फर्स्ट गवर्नर जनरल जो हमारी कंट्री के थे, जो हमारे इंडियन थे, सी राजगोपालचारी, उनके द्वारा फॉर्मली इनोग्रेट किया गया था इंडियन टेरिटोरियल आर्मी, तो ये अक्टूबर 9, 1949 में इनके द्वारा इनोग्रेट किया गया था। आप लोगों ने सुना भी होगा नाम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में टीए बोलते हैं, टेरिटोरियल आर्मी इसको बोला जाता है, टेरिटरी के अंदर काम करने वाली आर्मी, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। यहां पर इसको टेरिटोरियल आर्मी को आल्सो इसको यहां पर और नाम से पुकारा जाता है, जिसको यहां पर ये ट्रीरियस के नाम से भी इसको पुकारा जाता है, ठीक है। कंसिडर की जाती है सेकंड लाइन ऑफ नेशनल डिफेंस हमारी कंट्री में, जो रेगुलर आर्मी होती है उसके बाद में, यानी कि अगर रेगुलर आर्मी यहां पर जो काम कर रही है उसके बाद में जो सेकंड डिफेंस प्रोवाइड कराते हैं हमारी कंट्री में वो टेरिटोरियल आर्मी प्रोवाइड कराती है। तीसरी स्टेटमेंट बोला गया कि आर्मी जो है ये यहां पर डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर, वो सॉरी होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, जो टेरिटोरियल आर्मी है, जैसे पैरामिलिट्री फोर्सेस है ना, वो तो होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो ऐसे ही ये बोला जा रहा है कि ये होम मिनिस्ट्री के अंडर में आती है। ए में बोला जा रहा है 1 और 2 सही है, वो बी में बोला जा रहा है 1 सही है, सी में बोला जा रहा है ओनली 3 और डी में बोला जा रहा है 2 और 3, सॉरी सही नहीं है, करेक्ट इनकरेक्ट यहां पर पूछा गया है। तो ए में बोला जा रहा है 1 और 2 इनकरेक्ट है, बी में बोला जा रहा है ओनली 1 इनकरेक्ट है, सी में बोला जा रहा है ओनली 3 इनकरेक्ट है, डी में बोला जा रहा है 2 और 3 इनकरेक्ट है, तो कौन सा यहां पर इनकरेक्ट है, यानी कि आंसर कौन सा है? तो जो आंसर है यहां पर इसका ये है सी, यानी कि ओनली लास्ट वाला इनकरेक्ट है, बाकी ऊपर वाला सही है, क्योंकि ये जैसे मैंने आप लोगों को बता भी दिया था, मुंह से निकल गया था गलती से, वो था डिफेंस, तो डिफेंस मिनिस्ट्री के अंडर में ही आता है, रेगुलर आर्मी के साथ में सेकंड बेस लाइन ये हमारी कंट्री में देखने को मिलती है, जो सिक्योरिटी प्रोवाइड कराती है, ठीक है। उसी के बेस पर हमारी कंट्री में आज के दिन बात करें एनसीसी को तैयार करने की, नेशनल कैडेट कोर्स जो होता है यहां पर, यह बात की जा रही है कल को अगर किसी कंट्री के साथ में अनफॉर्चुनेट कंडीशन बनती है और सब लोग यहां पर हमारे बॉर्डर पर चले जाते हैं, तो इंटरनल कंट्री की कौन यहां पर सुरक्षा करेगा, तो उसको बोल जाता है कि एनसीसी को तैयार करो उस लेवल पर, ठीक है। तो यह भी एक अलग तरीका डिफेंस फोर्स आप लोग यहां पर बोल सकते हैं, उसी लेवल पर इनकी ट्रेनिंग की जाती है, ठीक है। तो यह हो गया आंसर सी, आगे चलते हैं। इंटरेस्टिंग और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, और रिसेंटली मैं आप लोगों को कई बार इसके बारे में बता भी चुका हूं। GII जिसको बोलते हैं ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, ये यहां पर बोला जा रहा है, टोटल 80 इंडिकेटर होते हैं जिसके बेस पर इसको तैयार किया जाता है, ठीक है। 80 इंडिकेटर होते हैं ये बोला गया पहली स्टेटमेंट में। दूसरा बोला गया ये पब्लिश किया जाता है यहां पर, ये स्पेशलाइज एजेंसी यहां पर यूनाइटेड नेशन की, इसी के साथ में वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल जो प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको WIPO बोला जाता है, एसोसिएशन यहां पर यह है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, और इसी के साथ में जहां पर ग्रेजुएट है बिजनेस स्कूल ऑफ INSEAD, तो यहां से इनके द्वारा यहां पर ये तैयार किया जाता है कंप्लीट इंडेक्स। तीसरा बोला गया इंडिया की जो पोजीशन है 57 पोजीशन आप लोगों को देखने को मिलती है, कौन सी स्टेटमेंट यहां पर करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है 1 और 3 का ये, बी में बोला जा रहा है 1 और 2 सही है, सी में बोला जा रहा है 2 और 3 सही है, डी में बोला जा रहा है कि कोई सारे सही है यहां पर, तो सही आंसर आप लोग बताइए ए बी सी या फिर डी। तो जो सही आंसर है इसका ये हो गया यहां पर बी, यानी कि 1 और 2 सही है। तीसरा क्यों नहीं सही है? क्योंकि जो रैंक बोली गई है ये 2018 की रैंक है हमारी, 2019 में जो अभी रिसेंटली रैंकिंग यहां पर तैयार की गई है उसमें हम लोग 5 पोजीशन टॉप पर आकर यहां पर 52वीं पोजीशन पर हम लोग पहुंच गए हैं, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। बाकी जो 80 इंडिकेटर बोले गए, इंडिकेटर कैसे होते हैं, जैसे रिसर्च और डेवलपमेंट कैसा हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कैसा हो रहा है उस फील्ड में, जो इंटरनेशनल पेटेंट है क्या हमारी पोजीशन है, ट्रेडमार्क कैसे है हमारे, तो ये सारी चीजें यहां पर देखने को मिलती है। तो इस तरीके से टोटल 80 इंडिकेटर है यहां पर, तो ये 80 नंबर भी यहां पर सही है, और बाकी प्रेजेंट करने वाली ये ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों का बेसिकली इसी में कवर हो जाएगा, अगर कोई क्वेश्चन पूछेगा तो। आंसर बी हो गया, आगे बढ़ता हूं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, खासकर अगर यहां पर बात करें इस क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि ऐसे एरिया से रिलेटेड है जिससे क्वेश्चन आप लोगों के बन सकते हैं, यानी कि ट्राइबल कम्युनिटी से रिलेटेड। बात की जा रही है यहां पर वन धन योजना के बारे में, वन में जो धन रहता है, धन क्या होगा जो भी वहां पर वन के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है उसके बारे में है यहां पर आप लोगों के सामने क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन में, पहले स्टेटमेंट में बोला जा रहा है कि जो इनिशिएटिव है उसका एम है प्रोड्यूस करने के लिए, यहां पर बात की जा रही है एमएफपी के बारे में।
अगर यहाँ पर MFP के बारे में आप लोगों को नहीं पता है तो भी आप लोग यहाँ पर कंफ्यूजन में आ सकते हैं, क्वेश्चन में डायरेक्ट MFP आप लोगों को लिखने को मिल सकता है। तो MFPs यहाँ पर MFPs सेंट्रिक लाइवलीहुड डेवलपमेंट ऑफ ट्राइबलिंग जो गैदर कर रहे हैं यहाँ पर टीचन, यानी कि जो भी उनके ऊपर, ये बताऊंगा नहीं अभी, जब आंसर दूंगा तब बताऊंगा, आप लोग खुद से गैस कर क्वेश्चन का आंसर दीजिए, ठीक है। नेक्स्ट बात की जा रही है, स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही है, मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर जो यहाँ पर नोडल डेवलपमेंट एजेंसी है, ये सेंटर एंड द ये है यहाँ पर सेंट्रल लेवल TRIFED, ये नोडल सेंटर एजेंसी यहाँ पर नेशनल लेवल पर, तो ये है स्टेटमेंट। तो थोड़ी सी टफ आप लोगों को स्टेटमेंट पड़ेगी, पर ऐसी स्टेटमेंट भी आप लोगों को नॉर्मली बन जाती है, ठीक है। तो ये कई बार जो कॉमन वर्ड होते हैं उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ये क्या है इनके बारे में भी बताऊंगा। तो बोला जा रहा है ए में ओनली वन सही है, बी में बोला जा रहा है ओनली टू सही है, सी में बोला जा रहा है बहुत सही है 1 और 2, डी में बोला जा रहा है कोई सा भी सही नहीं है। तो आप लोगों के सही हिसाब से सही आंसर क्या है, 1, 2 या फिर 3 या ABC या फिर डी, तो ये आप लोगों को बताना है। तो सही आंसर बताइए आप लोगों के हिसाब से यहाँ पर सही आंसर क्या है। आइए यहाँ पर आंसर देख लेते हैं, इसका आंसर जो है इसका, ये इसका आंसर यहाँ पर बी वो सी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट सही है। ये है यहाँ पर अगर MFP की बात करते हैं आप लोग, इसको बोलते हैं यहाँ पर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस। देखिए जो भी फॉरेस्ट के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है ना, आप लोग देखते हैं जो भी फॉरेस्ट के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है तो उसको किस तरीके से यहाँ पर बेचा जाए, क्योंकि ट्राइबल कम्युनिटी उसी के ऊपर डिपेंडेंट रहती है, जो भी फल फ्रूट शहद वगैरह जो उससे निकाला जाता है तो उसको कैसे बढ़ाया जाए, बेसिक फोकस ये है। 20% से कैसे उसको 60% पर लेकर आना है, ये यहाँ पर बेसिक है। और इंप्लीमेंट करने वाले तो सीधी सीधी बात है कि ट्राइबल अफेयर मिनिस्ट्री होगी, और इसके सेंटर जो है यहाँ पर नोडल सेंटर यहाँ पर ये आप लोगों को देखने को मिलेगा TRIFED, ये एज ए नोडल एजेंसी के तौर पर यहाँ पर यूज की जाती है, ठीक है। तो देखिए आप लोगों से अगर कोई भी क्वेश्चन बनता है ना नॉर्थ ईस्ट से एरिया से रिलेटेड, अगर कोई इस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे तो समझ जाइए यहाँ पर कि आप लोगों के काफी उसके बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बच्चे के बारे में, चाइल्ड लेबर के बारे में बच्चों से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, इसी के साथ में वुमेन से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन आए, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं, या फिर ट्राइबल कम्युनिटी नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आए, तो ये कुछ ऐसी चीजें जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो इनके बारे में आप लोग जरूर आइडिया रखें, क्योंकि क्वेश्चन आप लोगों से डायरेक्ट पूछे जा सकते हैं, ठीक है। जो TRIFED है, यह है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसकी फुल फॉर्म भी आप लोग याद रख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा आइडिया रख सकते हैं। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये स्टडी के बारे में बात कर रहा है और टर्म यूज की जा रही है UKIERI मोबिलिटी प्रोग्राम के बारे में। तो इसके बारे में देख लेते हैं क्या क्या बातें हैं, बोला जा रहा है कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो आप लोगों के सामने स्टेटमेंट है, पहली स्टेटमेंट बोला गया कि इंडिया और UK के द्वारा ज्वाइन किए गए यहाँ पर हैंड UKIERI, यहाँ पर इसको बोलते हैं UK इंडिया एजुकेशन एंड रिसर्च इनिशिएटिव। तो ये एक तरीका यहाँ पर प्रोग्राम है जो कि स्टडी इन इंडिया, हमारी कंट्री में आप लोगों को पता है कोई स्टडी करेगा उसके लिए यहाँ पर प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं, ये अलाउ करेगा UK के स्टूडेंट को विजिट करने के लिए इंडिया में हायर स्टडी के लिए, ठीक है। दूसरा बोला जा रहा है कि यहाँ पर एक तरीका ट्राइलेटरल पायलट प्रोग्राम है, यहाँ पर ये दूसरी स्टेटमेंट ये है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओनली वन सही है या ओनली टू या फिर बोथ या फिर नन, तो ABC या फिर डी, तो कौन सा आंसर यहाँ पर सही है ये बताइए आप लोग। तो जो सही आंसर है यहाँ पर ये ए इसका सही आंसर है। यहाँ पर बेसिकली क्या किया जाना है, यहाँ पर अभी रिसेंटली यहाँ पर ये प्रोग्राम चलाया गया स्टडी इन इंडिया हमारी कंट्री में, कैसे बाहर का बच्चा हमारी कंट्री में आकर स्टडी कर सकता है। इसी के साथ में जो यूके की यूनिवर्सिटी है वो डायरेक्ट हमारी कंट्री में जो पेरेंट्स अपने बच्चों को जो फॉरन पढ़ाना चाहते हैं उनसे कॉन्टैक्ट कर सकती है, और ये एक तरीका बायलेटरल इशू है, ट्राइलेटरल कोई ऐसा प्रोग्राम नहीं है यहाँ पर, यानी कि दोनों मिलकर यहाँ पर काम करेंगे, तो बायलेटरल इशू के अंदर यहाँ पर ये आता है। और ट्रेडिशनल अप्रोच जो यहाँ पर ट्रेडिशनल नहीं बोला गया यहाँ पर, ये ट्राइलेटर है, ठीक है, कभी ट्रेडिशनल सोचे इसको, यहाँ पर ट्राइलेटर और बायलेटरल मतलब होता है, ट्राइलेटरल का मतलब होता है कि तीन कंट्री मिलकर काम कर रहे हैं, तीन ग्रुप मिलकर काम कर रहे हैं, बायलेटरल का मतलब होता है दो, यानी कि दो आपस में मिलकर काम कर रहे हैं, तो इस तरीके से कंफ्यूजन में आप लोगों को नहीं आना है, ठीक है। तो बायलेटरल या फिर ट्राइलेटरल आप लोगों को देखने को मिले तो ये आंसर इसका होगा यहाँ पर ए, ठीक है। आगे चलता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात करा है कॉर्पोरेट बॉन्ड्स के बारे में। तो इसके बारे में कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। पहला बोला गया कि कॉर्पोरेट बॉन्ड जो होते हैं यहाँ पर एक तरीके से डेट सिक्योरिटी होती है जो कि इश्यू की जाती है प्राइवेट कॉर्पोरेशन यानी कि प्राइवेट कंपनी के द्वारा। दूसरा बोला जा रहा है कॉर्पोरेट बॉन्ड है ये इनके पास में कोई ओनरशिप इंटरेस्ट नहीं होता है जो कंपनी इश्यू करती है, अनलाइक जैसे कि परचेज अगर कंपनी को इक्विटी करते हैं तो वहां पर ओनरशिप का जो इश्यू होता है यहाँ पर ऐसा कोई इश्यू नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ए में बोला जा रहा है वन ओनली, बी में बोला जा रहा है टू ओनली, सी में बोला जा रहा है 1 और 2, डी में बोला जा रहा है नन ऑफ द अबो, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो सबसे पहले तो आप लोग यहाँ पर ये देखिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है यहाँ पर ये गलत है, क्यों, क्योंकि जो कॉर्पोरेट बॉन्ड होते हैं, बॉन्ड क्या होता है, बॉन्ड एक तरीका आप लोग बोल सकते हैं अगर मोटे मोटे तौर पर बुलाऊं तो, आप मान लीजिए कहीं पर जैसे कि एक घर है कहीं पर, ठीक है ना, उस घर में आप लोगों को दो रूम देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने एक रूम जो है यहाँ पर ये पैसे देकर सामने वाले ने अपना एक रूम आप लोगों को दे दिया कि जब मैं आप लोगों को पैसे दूंगा तो ये रूम आप मेरा रिटर्न कर देना, ठीक है, एक तरीके से उधारी में चीजों को रख देना। तो इस तरीके से जो बॉन्ड होता है वो एक तरीके की उधारी होती है आप लोगों को, या तो आप लोगों ने इशू किया तो आप लोगों को पैसे देने पड़ेंगे या फिर अपनी कंपनी का शेयर देना पड़ेगा, तो इस तरीके से आप लोग इसको समझ सकते हैं। तो ये दोनों ही इशू कर सकते हैं, प्राइवेट भी और
पर पब्लिक भी, तो यहाँ पर प्राइवेट कंपनी लिखा गया ओनली, ये गलत है। जहां पर ओनली शब्द आ जाए थोड़ा सोच लिया करो, रुक कर वहां पर। बाकी जो बोला जा रहा है यहाँ पर कॉर्पोरेट बॉन्ड में कोई भी ओनरशिप जैसा जो ओनरशिप इंटरेस्ट नहीं रहता यहाँ पर, यानी कि जब यहाँ पर अगर बात करते हैं परचेज करने के लिए कंपनी इक्विटी, तो वहां पर ओनरशिप आप लोगों को देखने को मिलेगा। वो यहाँ पर ऐसा नहीं है कि यहाँ पर ओनर बन गए, ठीक है, तो वो कॉर्पोरेट बॉन्ड में नहीं है, एक तरीके से डेट सिक्योरिटी है, ये याद रखिए आप लोग, ठीक है। डेट होता है एक तरीके से उधारी जो पे करनी होती है आप लोगों को। तो आंसर क्या हो गया, आंसर इसका बी हो गया। आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बात करें लीडर ऑफ अपोजिशन के बारे में, यानी कि जो विपक्ष का नेता होता है उसकी बात की जा रही है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, तीन स्टेटमेंट है। पहला बोला गया लीडर ऑफ अपोजिशन जो रहता है उसके पास में 1/10 यहां पर सीट होनी चाहिए मिनिमम, जो किसको लीडर ऑफ अपोजिशन बनना है, टोटल हाउस की जो स्ट्रेंथ होती है उसका। लीडर ऑफ अपोजिशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब न्यूट्रलिटी करने में, खासकर जब अपॉइंटमेंट की जाती है इंस्टीट्यूशन में अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी मेंटेन रखने के लिए। लीडर ऑफ अपोजिशन के पास में जो बात की जा रही है, कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था। अगर बात करें फर्स्ट लोकसभा जो हमारी जो फर्स्ट लोकसभा 1951 में पिक्चर में आई थी, तो वहां पर कोई भी लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था, ठीक है। तो ये बोला गया है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। ए में बोला गया 1/3, बी में बोला गया 2/3, सी में बोला गया 1/2, डी में बोला गया 1, 2 और 3। तो सही आंसर आप लोगों को यहां पर बताना है। तो सबसे पहले आप लोगों को यहां पर आंसर बताना चाहिए, तो आंसर है डी, यानी कि सारी की सारी सही स्टेटमेंट है। एक एक कर देख लेते हैं। जैसे कि बात करें अगर आप लोग यहां पर पार्लियामेंट के अंदर में, तो अभी रिसेंटली लोकसभा की जो हमारे यहां पर इलेक्शन हुए, तो यहां पर किसी भी पार्टी के पास में 1/10 सीट नहीं है, तो ये काफी बड़ी बात आप लोग बोल सकते हैं। टोटल मिलाकर 543 सीट आप लोगों को देखने को मिलती है, दो नॉमिनेटेड हो गई तो 545 सीट हो गई, ठीक है, 545 सीट हो गई। 545 का अगर आप लोग 10% निकालते हैं तो लगभग 54 सीट यहां पर होनी चाहिए मिनिमम, किसी भी पार्टी के पास 54 सीट नहीं है। तो इसीलिए लीडर ऑफ अपोजिशन को लेकर काफी ज्यादा प्रॉब्लम देखने को मिली, पहली बात। दूसरी बात, जैसे सीबीसी सिविल विजिलेंस कमिश्नर, या फिर सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, या फिर यहां पर आप लोग जो यहां पर चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर लोकपाल, उनको अपॉइंटमेंट करने के लिए भी यहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन होना चाहिए, तो काफी इंपॉर्टेंट है इसकी बातें। जो हमारी कंट्री में लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था 1969 तक, यानी कि 1951 में भी नहीं था, 1957 भी नहीं था, और 1962 में भी नहीं था। जब तक यहां पर हमारी कंट्री में मैक्सिमम ये बोलो कि कांग्रेस के हाथ में पावर थी, तो कोई भी यहां पर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं था। जब यहां पर, जैसे यहां पर जवाहरलाल नेहरू जी की डेथ हुई, उसके बाद में यहां पर फिर कांग्रेस की पावर छिनती स्टार्ट हो गई, तो तब से यहां पर चीजें चेंज हुई, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसके बारे में पता होना चाहिए, आंसर हो गया डी। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने यहाँ पर बात कर रहा है ब्लू फ्लेम रिवॉल्यूशन के बारे में। कई बार ये न्यूज में आप लोगों को देखने को मिलता है, और खासकर हमारे प्राइम मिनिस्टर जी इसका नाम लेते हुए आप लोगों को नजर आते हैं, तो इसी के बारे में बात की जा रही है। तो इसके बारे में आप लोगों से क्वेश्चन पूछा गया कि इसका मतलब क्या है ब्लू फ्लेम। फ्लेम का मतलब होता है लो, नीली लो क्रांति, ऐसे आप लोग इसको बोल सकते हैं। तो इसके बारे में क्या क्या बातें हैं यहाँ पर। पहला बोला जा रहा है कि डीप सी फिशिंग, यानी कि समुद्र में नीचे जाकर यहाँ पर फिशिंग करनी है, तो इसको बोला जाता है ब्लू फ्लेम रिवॉल्यूशन, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट जो बोली गई यहाँ पर, इंडिया का एमबीसी जो एंबिशन है यहां पर, ये ब्लू वाटर इकोनॉमी को बढ़ाने की बात की जा रही है, तो उसके लिए इसको बोला गया है, ये वर्ड यूज किया गया यहां पर, ठीक है। तीसरी जो बात यहां पर बोली गई है, ये बोला गया प्रोवाइड कराने के लिए क्लीन कुकिंग फ्यूल जो होता है उसकी बात की जा रही है। चौथा बोला जा रहा है कि डेवलपिंग, यहां पर डेवलप करने के लिए टाइडल एनर्जी प्लांट्स, तो तीसरी स्टेटमेंट यहां पर ये है। तो कौन सी यहां पर स्टेटमेंट सही है, ये आप लोगों को बताना है, ए बी सी या फिर डी, तो क्या यहां पर आंसर होना चाहिए, तो आप लोग बताइए, सोचिए इसके बारे में, क्या आप लोग आंसर कर सकते हैं इसके बारे में। मैंने बोला प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी इसको बड़ी फ्रीक्वेंटली यूज करते हैं, तो कुछ ना कुछ उनसे रिलेटेड होगा। जी हाँ, बिल्कुल उनसे रिलेटेड है। बात की जा रही है उज्ज्वला योजना के बारे में। उज्ज्वला योजना में गैस का सिलेंडर डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है, और जैसे आप लोग गैस को जलाते हैं तो उसमें से ब्लू लो निकलती है, तो उसी के बारे में बात की जा रही है। खासकर क्लीन कुकिंग एनर्जी जब प्रोवाइड कराई जाएगी महिलाओं को, तो उनके हेल्थ को भी काफी फायदा पहुंचाएगी, तो उसी के चलते ये प्रोग्राम काफी न्यूज में था, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया यहां पर, आंसर हो गया इसका सी, प्रोवाइड क्लीन कुकिंग फ्यूल टू द वुमेन। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने बात कर रहा है इंग्लिश एजुकेशन हमारी कंट्री में इंट्रोड्यूस की गई उसके बारे में, तो उसके बारे में आप लोगों को बताना है। पहली स्टेटमेंट बोला गया कि चार्टर एक्ट 1813 के बारे में यहां पर बात की जा रही है, कि इसके द्वारा यहां पर ये कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन करने की बात की गई इंग्लिश एजुकेशन, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग अभी। जनरल कमेटी ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन के बारे में बात की जा रही है, इसके द्वारा यहां पर हेल्प की गई ओरिएंटलिस्ट एंड एंग्लिसिस्ट, तो ये कंट्रोवर्सी थी यहां पर, ये भी यहां पर इंग्लिश एजुकेशन को लेकर ही थी। तो कौन सी स्टेटमेंट इससे रिलेटेड यहां पर करेक्ट है। ए में बोला जा रहा है 1/2 ओनली, बी में बोला जा रहा है 2 ओनली, सी में बोला जा रहा है 1/3 ओनली, डी में बोला जा रहा है 1, 2 और 3 ओनली। तो सही आंसर आप लोगों को बताना है, ए बी सी या फिर डी, क्या आंसर होगा।
सही आंसर है बेसिकली इसका डी, यानी कि तीनों ही स्टेटमेंट सही है। रीजन क्या है, जब चार्टर एक्ट आया 1813 का, तो मैंने आप लोगों को ये कई बार वैसे बीच बीच में पढ़ा चुका हूं कि आप लोग इसको ऐसे याद रखिए 1813। तो यहां पर ये 11 जो यहां पर दो बार यूज किया जा रहा है ना, ये 1813 यहां पर ये हो रहा है, तो ये जो 11 यूज किया जा रहा है, तो फर्स्ट टाइम यहां पर हमारी कंट्री में एजुकेशन के लिए 1 लाख रुपीज यहां पर दी गई थी। तो आप लोग जानते हैं अंग्रेजों ने सब कुछ अपने फायदे के लिए किया था, तो हमारी कंट्री में कैसे एक ऐसा एनवायरमेंट एस्टेब्लिश किया जा सकता है ताकि उनको कुछ फायदा हो। तो फायदा क्या होना है कि हमारी कंट्री में जो लोग काम करते हैं वो देखने में तो हिंदू हो, हिंदू नहीं सॉरी, देखने में तो इंडियन हो, पर लेकिन उनके अंदर जो एक तरीके से ब्लड होना चाहिए, एक तरीके से जो उनको सोचने समझने की जो शक्ति होनी चाहिए वो अंग्रेजों की होनी चाहिए। खून तो उनका इंडियन हो पर लेकिन सोचने समझने की शक्ति उनकी अंग्रेजों की हो। तो इसीलिए बोला गया कि इंग्लिश एजुकेशन यानी कि ब्राउन चमड़ी में जो इंग्लिश थॉट प्रोसीजर घूमना चाहिए, इसके लिए यहां पर इसको स्टार्ट किया गया। जनरल कमेटी पब्लिक इंस्ट्रक्शन के द्वारा भी यहां पर इसको सपोर्ट किया गया, और ओरिएंटलिस्ट और एंग्लिसिस्ट का भी यहां पर यह फंडा था। एक साइड बोल रहा था कि हमारी कंट्री के जो लोगों को एजुकेट किया जाए हमारी ही कंट्री की लैंग्वेज में, और दूसरा बोला था कि अंग्रेजों की लैंग्वेज में। तो ये भी एक कॉन्ट्रोवर्सी थी जो कि इंग्लिश एजुकेशन से रिलेटेड ही थी। ठीक है, तो ये हिस्ट्री का पार्ट है सारा, आंसर हो गया डी। क्वेश्चन नेक्स्ट आप लोगों के सामने यहां पर है, ये आप लोगों के सामने इसमें बात की जा रही है कि ये क्वेश्चन है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में। तो ये एक तरीके से यानी कि एक तरीके से स्किल डेवलपमेंट आप लोग बोल सकते हैं। तो 2018 में यूपीएससी में पूछा जा चुका है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया है यहां पर ये कि एक तरीका फ्लैगशिप प्रोग्राम है मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट का। दूसरा बोला जा रहा है यहां पर ये एक तरीके से यहां पर जो ट्रेनिंग की बात की जा रही है तो सॉफ्ट स्किल एंटरप्रेन्योरशिप फाइनेंशियल और डिजिटल लिटरेसी प्रोवाइड कराएगा। जैसे कि मान लीजिए आप लोग इंटरनेट बैंकिंग यूज कर सकते हैं, कैसे आप लोग ऑनलाइन पैसा ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, ये सारी चीजें भी यहां पर प्रोवाइड कराएगा। दूसरी बात की जा रही है कि अनरेगुलेटेड वर्कर जो होते हैं, खासकर जैसे रेडी झुग्गी झोपड़ी वाले होते हैं, उनके बारे में बात की जा रही है, उनको भी काउंट किया जा रहा है कि कैसे उनको स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क के अंदर लाना है। तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला जा रहा है 1 एंड 3, बी में बोला जा रहा है 2, सी में बोला जा रहा है 2 एंड 3, डी में बोला जा रहा है 1, 2 एंड 3। तो सही आंसर क्या है इसका? सही आंसर है इसका सी, यहाँ पर दोनों स्टेटमेंट नीचे वाली सही है, पर लेकिन ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर नहीं है, इसके लिए अलग से एक मिनिस्ट्री है जिसको बोला जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ स्किल एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा। तो ये क्वेश्चन ऐसे आप लोगों से पूछे गए हैं एग्जाम में, ठीक है, क्या कर जाते हैं मिनिस्ट्री आप लोगों से नॉर्मली दूसरी पूछ ली जाती है, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन आखिरी यहाँ पर जिसका आंसर आप लोगों को देना है, ये क्वेश्चन नंबर 11th है यहाँ पर जिसका आंसर आप लोगों को देना है, आर्टिफिशियल लेक के बारे में बात की जा रही है। ये बात करते हैं यहाँ पर, ये जो एक एक बार बात की जा रही है कौन से यहाँ पर आर्टिफिशियल लेक है ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला जा रहा है यहाँ पर ये है कोकाई, ये यहाँ पर कोडाई कनाल, ठीक है, तो कोडाई कनाल जो तमिलनाडु के अंदर है, दूसरा कोलोरू आंध्र प्रदेश के अंदर है, तीसरा नैनीताल उत्तराखंड के अंदर है, तीसरा बोल चौथा बोला जा रहा है रेणुका, ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। कौन सी यहाँ पर आर्टिफिशियल लेक है यानी कि कृत्रिम लेक, इंसानों के द्वारा बनाई गई लेक, तो ये क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देना है। तो ये था आज का हमारा नन्ना सा मुन्ना सा पहला सा डिस्कशन, आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। लेक्चर की पीडीएफ आप लोग टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं, इसी के साथ में कनेक्ट रह सकते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम और ट्विटर पर, और भी कई सारी इंटरेस्टिंग चीजें यहाँ पर शेयर की जाती है। सारे लिंक वीडियो के नीचे मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे आप लोग जाएंगे तो जाकर आप लोग इनको एंजॉय कर सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होगा द हिंदू का, तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करा, तब तक के लिए जय हिंद।